हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। मैं हूं अनुजीत घटक। आज हम हैं पुणे में टू ड्राइव अ फोर व्हीलर विच इज़ नॉट अ कार। ओके, सो फिर ये है क्या? वेल, देर इज़ अ न्यू सेगमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल दैट इज़ देयर इन द कंट्री नाउ विच इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रीसाइकल एंड बजाज हैज़ लॉन्च्ड इट्स क्यूट विच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स क्वाड्रीसाइकल। बजाज ने साफ शब्दों में यही कहा है कि क्यूट इज नॉट अ कार एंड इट इज मेंट फॉर इंट्रा सिटी कम्यूट ओनली टू ब्रिज अ नीड गैप दैट वाज देयर बिटवीन थ्री व्हीलर्स एंड टैक्सीज एस्पेशली इन स्मॉलर सिटीज। डायमेंशंस के मामले में क्यूट हैज द एग्जैक्ट फुटप्रिंट एज अ बजाज ऑटो रिक्शा, लेकिन ये चार चक्कों के होने के कारण थ्री व्हीलर से ज्यादा स्टेबल हैं। और तो और, बजाज इज क्लेमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ सीएनजी क्यूट इज इवन लेसर देन अ टू व्हीलर। वेल, आप सोच रहे होंगे इसकी इंजन कहाँ है। डोंट वरी, इसमें है इंजन, इंजन है पीछे। लेकिन इंजन के बारे में आपको डिटेल्स में बताने से पहले आइए देखते हैं ये क्वाड्रीसाइकिल दिखती कैसे है। लुक्स की बात करें तो इसकी डिजाइन काफी क्यूट है। इन द फ्रंट इट हैज मोल्डेड हेडलैम्प्स कॉन्टूरिंग अलोंग विद द कर्व्स ऑफ द बॉडी। देयर इज अ प्रोमिनेंट बजाज क्यूट इंसिग्निया इन बिटवीन बोथ हेडलैम्प्स। सिंस दिस इज नॉट अ कार, दिस डज नॉट इवन हैव द फीचर्स लाइक अ कार। ये एक क्वाड्रीसाइकिल है जिसको इंट्रा सिटी ट्रैवल के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है और इसमें एयर कंडीशनिंग भी नहीं है। तो आप जब हॉट कंडीशंस में, ह्यूमिड कंडीशंस में इसको चलाएंगे तो हो सकता है कि कैबिन में सफोकेशन का फीलिंग हो। बट उसको कैटर करने के लिए इन्होंने क्या किया है, दे हैव अ एयर वेंट राइट इन फ्रंट जो कि यहाँ से हवा अंदर की तरफ जाती है और इन ए पिलर्स के थ्रू हवा को यहाँ पर वेंट्स हैं, वेंट्स के थ्रू बाहर पुश करती हैं। द क्यूट हैज अ लॉट ऑफ फाइबर ओवर अ सॉलिड मेटल फ्रेमवर्क, दस द डोर्स आर मेड विद फाइबर व्हाइल द रूफ इज मेड ऑफ सॉलिड मेटल। द मोल्डेड टेल लाइट्स आर डिजाइंड इन रोम्बॉइड फॉर्म्स दैट एक्सेंचुएट द ओवरऑल लुक ऑफ दिस क्वाड्रीसाइकिल। ओवरऑल द क्यूट गेट्स अ लॉट बेटर वेदर प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू थ्री व्हीलर्स। इंटीरियर्स की बात करें तो ये बहुत ही बेसिक है। एक्चुअली देर इज़ नो फ्रिल एंड फैंसी इन दीज इंटीरियर्स। बहुत बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील है, एक बड़ा सा क्यूट का मोनोग्राम बना हुआ है यहाँ पे विद द हॉर्न। यहाँ पे हेडलैम्प ऑन ऑफ करने का है, इंडिकेटर्स राइट लेफ्ट, वाइपर्स। वेल, दिस इज़ द गियर लीवर और ये दिस इज़ अ सीक्वेंशियल गियर लीवर। सो आप फर्स्ट गियर जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इसी तरीके से वापस, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड न्यूट्रल। वेल, रिवर्स करने के लिए इसको पुल करना पड़ता है एंड देन इट गोज टू रिवर्स। यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा साउंड सिस्टम लगा हुआ है, इसमें बेसिकली MP3, रेडियो, USB एंड SD कार्ड सपोर्ट है। बेसिक से बटन्स हैं, स्कैन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, चैनल चेंज, FM, USB एक्सेट्रा। दो स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं जो कि चाबी से ये खुलता है। स्टोरेज कंपार्टमेंट्स जिसमें आप पेपर वगैरह रख सकते हैं, थोड़ा मोड़ा सामान रख सकते हैं। अदर देन दैट देयर इज़ द मीटर पैनल विच इज़ प्रिटी बेसिक। एक स्पीडो है बीच में एंड चाबी ऑन करें तो और थोड़े इंडिकेटर्स ओपन होते हैं। यहाँ पे CNG लेवल दिखा रहा है, एक ब्रेक, हैंड ब्रेक इंगेज है वो दिखा रहा है, प्लस द गियर, द न्यूट्रल इंडिकेटर एंड रेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बैटरी इंडिकेटर एंड द टेम्परेचर इंडिकेटर। यहाँ पर एक मोड बटन है जिसमें यू कैन जस्ट स्विच थ्रू योर ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, प्लस टाइम, प्लस अ गियर इंडिकेटर। दिस हैज़ स्लाइडिंग विंडोज जो कि आगे से भी खुलती है एंड पीछे से भी खुलती है। वेल, सीट्स की बात करें तो ये सिर्फ ड्राइवर का सीट है जो आप आगे पीछे कर सकते हैं, पैसेंजर का सीट फिक्स्ड है और ये सीट्स बहुत ही बेसिक हैं। जो CNG टैंक है वो ड्राइवर और पैसेंजर सीट के नीचे CNG टैंक लगा हुआ है। नॉर्मल पेडल्स। हाँ, एक और मज़े की बात है, जो स्पेयर व्हील है वो एक्चुअली यहाँ है। इसको निकालने के लिए इसको ऐसे खींच के एंड ये रहा स्पेयर व्हील। वक्त है पीछे की सीट का।
as usual, quite basic. But functional. काफी सारा space है. मेरे लिए तो काफी सारा space है. शायद लंबे लोगों के लिए कम पड़े ये. यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आप लगेज भी रख सकते हैं. प्लस इन सीट्स को हम फोल्ड कर सकते हैं जिसमें आप और लगेज रखना चाहें तो. सो आप ये दोनों सीट्स को फोल्ड कर दें तो काफ़ी सारा स्पेस बन जाता है. इसके अलावा आप अगर देखें तो यहाँ डोर पे भी काफ़ी सारा स्पेस है. यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, यहाँ पे सामान रख सकते हैं. वैसे हमने यहाँ पर एक मास्किंग टेप रखा हुआ है, हमारे शूट के काम में आता है ये. क्यूट को सड़कों पर स्टेबल बनाने के लिए इसमें है 4 12 इंच डायमीटर के अलॉय व्हील्स. इंजन यहाँ पर है. दिस इज अ 4 स्ट्रोक 216 सीसी DTSI लिक्विड कूल्ड इंजन. इट्स अ सिंगल सिलेंडर इंजन एंड इट पावर्स द रियर व्हील्स. क्यूट 2 इंजन वेरिएंट्स के साथ ऑफर किया जा रहा है, पेट्रोल और CNG. बजाज की प्राइमरी फोकस CNG वेरिएंट पर है, लेकिन दे आल्सो डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन द मार्केट्स दैट डज नॉट हैव CNG अवेलेबल. नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव दिस. It was pretty surprising that the Qute is fun to drive automobile, jabki isme koi bhi electronic enhancements such as power steering, power braking, air conditioning nahi hai. Even though the engine peaks out pretty soon, the torque is available till the time the rev limiters kick in. Because of this, I ended up hitting the rev limiters very often before shifting to an upper gear. Shifting through sequential gear takes a little while to get used to. The steering felt nimble and very light, and I tended to oversteer the Qute many a times. The suspension is a bit on the stiffer side. 50 to 60 kilometers per hour ki speeds ke aaspaas, ye quadricycle thodi unstable feel hui. Lekin isse city traffic mein chalana bahut aasan hai. Braking too is pretty adequate on the Qute, provided it does not even have disc brakes. Well, this is definitely not a car. This is also not a three-wheeler because this is much more stabler than a three-wheeler. It's very easy to drive in the peak traffic conditions. It takes a very small space to park. It has a very short turning radius. Well, people who are considering to buy a three-wheeler for their business may start considering buying this. Also, people who are considering to buy a car but cannot afford a car may also look at buying this. Now that the Qute will be available for personal use as well, it would be interesting to see if customers go for this basic quadricycle as an automobile of choice.